अलकाइन्स की बात करें, ये एल्केन्स का नेम से दर्द बिल्कुल ट्रिपल बॉन्ड है, तो एल्केन्स मतलब हाइड्रोकार्बन है ट्रिपल बॉन्ड, दैट इज ऑल इट इज, व्हिच आर ट्रिपल बॉन्ड्स, इज इट ट्रिपल बॉन्ड राइट ना, यस, सो दिस वन ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको पर एल्केन्स बोलेंगे, तो आईपैक नेमिंग वगैरह को हम क्या कर सकते हैं, तो प्रिपरेशन मेथड्स की बात करते हैं, वैसे एल्केन्स में एल्केन्स के कंपैरिजन में बहुत कम पड़ना, तो प्रिपरेशन में एक तो फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड्स ना, एक तो होता है फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड्स, कैल्शियम कार्बाइड वैसे आपको एल्केन में बताया था, और 14 ग्रुप में कार्बाइड्स भी पढ़ाए थे एलाइलाइड्स है ना, एसिटालाइड्स वैसे बताया था, तो कैल्शियम कार्बाइड को हाइड्रोलाइसिस करेंगे ना तो वी गेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड C2H, दैट इज एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो वी गेट हाइड्रोलाइसिस लाइक दैट, कुछ इंप्योरिटीज वगैरह भी होते हैं बट दे कैन बी रिमूव्ड इजीली बाय एडिंग कॉपर सल्फेट, कुछ कुछ अमोनिया आर्सेनिक ऐसे इंप्योरिटीज भी, the impurity is present in it, present in it are ammonia, phosphorus, arsenic, etc. can be removed there. Treating it with copper sulfate solution. क्योंकि copper sulfate में आप ये सारे लिए तो प्रेसिपिटेट जैसे के ऊपर एक फॉस्फाइड अमोनिया का कॉम्प्लेक्स बनता है तो सब रिमूव करो, एक्सेप्टली इज लाइक दिस कार्बाइड्स, अगर अपने पास मैग्नीशियम कार्बाइड हो तो मैग्नीशियम कार्बाइड के हाइड्रोलाइसिस से वी गेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड CH3 प्रोपाइन मिलता है, ये भी मैंने पहले बताया होगा, यस सर बताया, मैं प्लीज ठीक, ये प्रोपाइन, तो ये तो कार्बाइड से हो गया प्रिपरेशन, दूसरा हम लिख सकते हैं फ्रॉम बेसनल और जेमिनल डाइट, बेसनल और जेमिनल डाइट डायलाइट्स जो होते हैं, तो अगर ऐसे गिवन है तो दिस इज बेसिनल डायलाइट्स, दोनों एडजस्ट हो जाते हैं, ये बेसिनल, और अगर एक ही कार्बन एटम के पास दोनों हाइड्रोजन गिवन है तो कैटेस्ट्रोफिक जेमिनल, इसको अपन जेमिनल, तो दोनों ही ले सकते हैं, बेसिनल भी ले सकते हैं जेमिनल भी ले सकते हैं, अगर हमारे पास ऐसे भी बने और इसको अपन रिएक्ट करेंगे विद अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH अगर होता है तो डिहाइड्रोजनेशन होता है, ये हमने पढ़ा, तो इसका OH नेगेटिव इसको रिमूव करता है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, ये लीव करता है, मतलब H दिया डिहाइड्रोजनेशन, तो वी कैन गेट लाइक दिस CH3C, एक H बचेगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक Br बचा हुआ है और CH, फिर इसको अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो थोड़ा हीट करना होगा क्योंकि दूसरे बार डिहाइड्रोजनेशन में थोड़ा मुश्किल होगा, फिर यहां शिफ्ट करेंगे, फिर ये लीव करेगा, तो आई गेट द This is alkane, that is butane, 2-butane, nothing. School में अपन को कम से कम IUPAC name देखने के लिए भी पूछेंगे वो, और school में लिखोगे तो words में explain भी करना जो भी आपने सोचा।
अगर इसकी जगह थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे तो भी डायरेक्टली कर स्ट्रॉन्ग बेस मतलब इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये दो बार डीहाइड्रोलाइजेशन एक बार नहीं कर सकते दो डीहाइड्रोलाइजेशन तो ये तो जगनेट आइलैंड्स का ऐसे ये विस्मेंट आइलैंड्स का अगर अपने पास जगनेट आइलैंड्स है तो भी नहीं कर सकते तो भी अगर अपन बिहेव करेंगे NaNH2 के साथ तो अपन दो बार डीहाइड्रोलाइजेशन कर सकते एक बार अल्कोहल के बच्चे तो इधर में रिमूव होगा तो इसको अपन दी तो व्हाट आई गॉट इज CH3C इधर H डबल बॉन्ड बन गया एक भी आर लिख दिया तो एक भी आर बच गया फिर अपन अल्कोहल के बच्चे ये करना है लेकिन दूसरे बार के लिए तो थोड़ा हीट करता है तो इसको रिमूव करेंगे ये यहाँ शिफ्ट करेंगे तो भी आर ट्रिपल बॉन्ड बन गया तो अपन देखिए इस तरफ से हाइड्रोजन नहीं हटा सकते जैसे आप इधर से हटा रहे हैं इधर से हटा लेते हैं तो अपन देखेंगे वहां से हाइड्रोजन हटाएंगे तो अपन तो कम स्टेबल एनर्जी में मान लो अपन से पूछेगा कि मेरे पास एक बार ऐसे डबल बॉन्ड बन गया अपने पास ऐसे गिवन है और ऐसे गिवन है दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा मान लो फॉर्मूला से तो जब क्यूमुलेटिव ऐसे डबल बॉन्ड होते हैं तो वो अनस्टेबल होता है ये स्टेबल क्योंकि इसमें हाइपर कंजुगेशन 6 है इसमें सिर्फ 3 इवन ये ज्यादा स्टेबल होगा इस वाले से भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन बॉन्ड है तो अगर तीनों में आपको स्टेबिलिटी चेक करना है तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा 2 की होगी फिर 3 की होगी फिर 1 की होगी क्योंकि दोनों एक ही कार्बन से अगर दोनों तरफ डबल बॉन्ड बनाओगे तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन में भी रिपल्शन तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी अभी अपन को दो ही मिलते एनसीईआरटी में तो दो ही मिलते स्टेट बोर्ड की बुक में या एनसीईआरटी में तो दो ही मेथड्स गिवन है तो दो ही मिलते और उन्होंने केवच ही यूज किया है बस तो अपन उसी से ही करते अब अपन प्रॉपर्टीज दे आर सिमिलर टू एल्कीन्स और एल्केन्स तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट लाइक दैट ना बिल्कुल वैसे ही होगा सब कुछ लाइटर देन वाटर लाइक दैट है बिल्कुल एल्कीन के जैसे होती बॉइलिंग पॉइंट है मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज अपन को कुछ भी नहीं सोचना ब्रांचिंग वगैरह मैंने बताया था ना आपको अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ही होगा लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर सेम है तो ही ब्रांचिंग से अपन बताएंगे कम होगा राइट स्टेबिलिटी जो अपन ने बताया दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एक्स्ट्रा हाइपर कंजुगेशन 6 अल्फा इसमें 2 अल्फा है इसमें भी 2 अल्फा है इसमें भी दो ये तीन है लेकिन ये क्यूमुलेटिव होते हैं ना ऐसे तो इनमें रिपल्शन बहुत ज्यादा इन दोनों में तो अपने अल्फा से चेक कर लिया इसके 2 अल्फा थे इसमें 3 अल्फा इधर है 3 अल्फा इधर लेकिन इसमें डबल बॉन्ड जो है अगर एक ही कार्बन से दो डबल बॉन्ड बनाओगे तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल वो एलीन्स बोलते हैं एलीन्स आर ऑलवेज लेस ली स्टेबल ये एलीन्स तो एलीन्स हमेशा सबसे कम स्टेबल राइट एलीन्स आर ऑलवेज लीस्ट स्टेबल ठीक है अब अपन पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टीज अब प्रॉपर्टीज में वैसे तो अपन को लास्ट टाइम अपन ने रिडक्शन वाला पार्ट पढ़ा हुआ हाइड्रोजनेशन की बात
वैसे मैंने आपको हाइड्रोजनेशन बताया, ठीक है। अब हाइड्रोजनेशन में अगर हम लिखे ना तो सी कंप्लीट हो सीएचथ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी एच थ्री अगर गिवन है तो अगर अपन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करेंगे ना NiH2 या प्लैटिनम H2 या प्लैटिनम H2 दैट इज द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन तो अपन एल्केन्स बनते हैं। और अगर अपन इसको लिंडर्स कैटलिस्ट को ये अपन ने पढ़ा हुआ था ना पहले या फिर रोजरमैन कैटलिस्ट को तो वी गेट सिजल मतलब सिन एडिशन ऑफ है तो सिजल की नहीं होती बाय सिन एडिशन ऑफ है एडिशन है तो सिजल की मतलब विल गेट द प्रोडक्ट एक ही डबल बॉन्ड ऐसे बनेगा तो सिजल की कौन सा कैटालिस्ट था? ओ लिंडर्स कैटालिस्ट था ये पैलेडियम विद कैल्शियम कार्बोनेट एंड पॉइजन विद लेड एसिड पैलेडियम प्लस CaCO3 H2 तो लिखना नहीं पड़ेगा एंड पॉइजन विद लेड एसिड। दूसरा था रोजरमैन कैटालिस्ट हाँ इसलिए तो ऐसे लिख रहा हूँ ना जब लिखी हो तो स्पेलिंग भी ठीक ही लिखो रोज लिखो एम लिख के एम यू एन डी रोजन कैटलिस्ट तो वो होता है फिर से वही होता है बस पैलेडियम उसे कैल्शियम कार्बोनेट की जगह भी ऐसे हो और कैटलिस्ट के एक्टिविटी को कम करने के लिए उसको नेगेटिव कैटलिस्ट पॉइजन सो पॉइजन सल्फर या फिर क्लोरीन तो नाम से बोलते और अगर सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया लिखेंगे तो सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया का कलर क्या होगा ब्लू कलर सोल्यूशन इज पैरा मैग्नेटिक ठीक है ट्रांस एल्कीन है सो ट्रांस एल्कीन मिलेगा तो एंटी एडिशन का मतलब होता है एक हाइड्रोजन अपन एक तरफ से ऐड करेंगे और दूसरा हाइड्रोजन दूसरी तरफ से सो वी गेट अ ट्रांस हाइड्रोजन। सो ये अपना हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। ठीक है एक्विवन एक्विटू का कल कोई क्लास है क्या नहीं ना ठीक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अब हाइड्रोजन लाइट जैसे अपने मार्गोनिक ऑक्सीड के हिसाब से ऐड किया ना इन एल्कीन्स ज्यादा स्टेबल कार्बोनेटेड ग्रुप वैसे इसमें अब इसमें HCl भी हो सकता है HBr भी हो सकता है HCl तो अपन क्या करेंगे C ट्रिपल बॉन्ड सी है मार्कनिक ऑक्सीड के हिसाब से इसमें एक हाइड्रोजन इस पे है तो जिसको हाइड्रोजन नहीं है उसमें एनायनिक पार्ट और जिसको हाइड्रोजन है उसमें तो अकॉर्डिंग टू मार्कनिक ऑक्सीड इस पे हैलोजन ऐड करता हूं डबल बॉन्ड पर इस पे हाइड्रोजन लेकिन इसमें तो एक और पाई बॉन्ड है एक और बार एडिशन करूंगा तो अब एक बार और कार्बोकैटायन बनाऊंगा तो इसमें HX एक बार और ऐड करूंगा मैं इसमें HX ऐड किया तो पॉजिटिव चार्ज इधर अटैक किया तो 2 डिग्री बनाया 2 डिग्री बनाया तो पॉजिटिव चार्ज अगर इसको बनेगा तो हाइड्रोजन आएगा और इस पे हाइड्रोजन आएगा उस पे अगर फिर डबल बॉन्ड पे अटैक करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज किस पे बना 1 पे या 2 पे पॉजिटिव चार्ज 1 पे बनाऊं या 2 पे बनाऊं 1 पे बनाऊंगा तो इसका माइनस इफेक्ट होगा ना तो पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी लेकिन उसके पास लोन पेयर है आफ्टर कंप्लीशन तो उसको आफ्टर कंप्लीशन हो सकता है नहीं समझ और आफ्टर कंप्लीशन होगा तो ठीक है ना तो फिर अपन उसको लिखेंगे दैट इज CH3 C
एक्स क्योंकि इसमें तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, रेजोनेंस रिप्लाई हो जाएगा टैग बॉन्डिंग में, तो ये बनेगा सी। इसमें अभी दूसरा हाइड्रोजन इसी पे ऐड होगा, मतलब मुझे प्रोडक्ट मिलेगा जर्मेनियम डाइहाइड्रेट, मतलब प्रोडक्ट बनेगी क्या हमेशा विदाउट एनी एक्सेप्शन। Addition of halogens. Halogen. मतलब बेस्ट। अभी फिर दो पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड बॉन्ड होता है तो फिर कहते हैं दोनों पे पाई बॉन्ड हटा लो और दोनों पे एक एक हैलोजन लो। That is what we have done. अभी अगर दो पाई बॉन्ड होंगे तो दो बार एडिशन। Right? अब दो बार एडिशन कर देंगे तो कर देंगे। एक बार हाइड्रोजन ऐड करूंगा CCl4 में तो विल गेट लाइक दिस, एक डबल बॉन्ड हो गया। एक बार और ऐड कर दो तो चार हाइड्रोजन ऐड हो गए, तो अपन कहेंगे भाई किसी को भी कहीं लिख दो, हमें क्या करते, दो बॉन्ड थे चार हाइड्रोजन ऐड हो गए, टेट्रा हाइड्रोजन डेरिवेटिव, टेट्रा हैलाइड। टेट्रा हैलाइड बन जाए, ठीक है, तो अपन को टेट्राहेलिक्स। अब टेट्राहेलाइड का भी अपन डीहाइड्रोजन हैलोजनेशन करके ये बना सकते हैं, चारों हैलोजन हटा जिंक और एसिटोन में ऐड कर, तो भी अपन ये तो फायदा क्या पहले ऐड करके बना, लेकिन अगर हमें जरूरत पड़े तो अपन बता सकते हैं कि इससे अपन एल्केन बना सकते हैं जिंक और एसिटोन, क्योंकि अपन ने डाइहैलाइड से जिंक और एसीटोन से एल्कीन बनाया, ठीक है, मतलब डीहैलोजिनेशन जिंक और एसीटोन ने कर, तो वो कर सकते, लेकिन अपन इतना ही पढ़ते हैं, इतना अभी अपन को जरूरत है। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे वाटर का एडिशन, है ना, अपन वाटर का एडिशन करेंगे। देखो कोई डाउट है तो बताओ, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। सबको समझ में आया? यस सर। तो देखो ये वाला पार्ट पूरा मैंने आपको पहले पढ़ा था, एल्केन के प्रिपरेशन ये पूरा पार्ट लिखा हुआ, नया अपन तो सिर्फ यही, और ये भी नया नहीं है, हाइड्रोजन के एडिशन एल्कीन में भी बताया आपने, एल्काइन्स को भी बताया, राइट। और अगर इसकी जगह हाइड्रोजन हैलाइड्स का एडिशन, अगर अपन इसकी जगह हाइड्रोजन हैलाइड्स का एडिशन एल्कीन में करते, ये भी पढ़ा ना अपन ने, तो H+ आयन अटैक करते हैं अपन डबल बॉन्ड और कार्बोकैटायन बनाते, राइट, और CH2 और उसके बाद बाद में हैलोजन ऐड करके अपन प्रोडक्ट लिख लेते हैं, ये अपन ने पहले पढ़ा हुआ है, राइट ना। अब ये बताओ कि एडिशन इसमें जल्दी हो सकता है या इसमें जल्दी हो सकता है? इसमें जल्दी होगा पहले वाले में, मतलब एल्कीन्स में या एल्काइन्स में? एल्काइन्स में ना, क्योंकि अपन एल्काइन्स में अगर ये रिएक्शन लिखेंगे तो विल हैव लाइक दिस, इसमें H+ आयन अटैक करेगा तो विल गेट लाइक दिस। अभी बताओ इसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है या इसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल? कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, वन या टू? वन ज्यादा स्टेबल है,
तो उसी का रेट ज्यादा होगा। एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्केन्स, ठीक है, एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्केन्स एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजनेशन। अपन लोग सेंटेंस लिख दे, एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्केन्स, एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्केन्स एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजनेशन। Except for hydrogenation, okay? Alkenes are more reactive than alkynes except for hydrogenation. Hydrogenation होगा तो alkynes are more reactive. अब except लिखा है तो आप इसी का, आप उसी को ज़्यादा reactive बताओ। थोड़ा भी चांस को मगर है तो थोड़ा आगे बढ़ो, right ना? Next we can write as addition of water. Of water. अब वैसे वाटर का एडिशन जो है वो मतलब मर्करी सॉल्ट, मर्करी सॉल्ट्स आर ऑल मर्करी सॉल्ट्स आर प्रेसेंस, जितने भी मर्करी सॉल्ट हैं सारे सारे प्रेसेंस क्योंकि तो प्रेजेंस ऑफ एमकेडी है। सो इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 एंड H2O ये केमिकल रिएक्शन का कॉम्बिनेशन सिर्फ वाटर के लिए एडिशन के लिए होता है इन एल्काइन्स, पूरा केमिस्ट्री मतलब अगर ये कॉम्बिनेशन कहीं लिखा हुआ है ना, आपने ऐसे लिखा ना HgSO4 प्लस H2SO4 और मैं बोल दूंगा यहाँ पर एल्काइन होना ही चाहिए, नहीं तो इसका कोई मतलब ही नहीं होता ही नहीं कोई मतलब ही, राइट ना? और पूरे केमिस्ट्री में और कहीं यूज होता ही नहीं कॉम्बिनेशन, यही यूज होता है। तो एडिशन ऑफ वाटर एंड एल्केन्स अगर तुमको करना है तो ये कॉम्बिनेशन हमेशा रहता है, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मर्करी गैस। सो एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मर्करी गैस, अकॉर्डिंग टू मर्करी गैस तो अपन क्या करेंगे, अगर अपने पास एल्केन्स है तो अपन इसको लिख सकते हैं, दैट इज वाटर का एडिशन करना है तो ऐसे करते हैं मार्कोनिक ऑब्सोल्यूट के हिसाब से, जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन है उस पे कैटायनिक पार्ट, जिस पे कम हाइड्रोजन है उस पे एनायनिक पार्ट, ठीक होता। तो अपन देंगे ये बनेगा, अब इसको हम क्या करेंगे, ये वाला हाइड्रोजन इसको ले लेंगे और ये डबल बॉन्ड इधर बनाते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 ऐसे उसको एक हाइड्रोजन इधर देते हैं, ऐसे बनो। अब जब हम क्या करेंगे, ये वाला हाइड्रोजन एटम को हटा देंगे, ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है तो इसको इधर बना देंगे ऐसे, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर लेते हैं हाइड्रोजन इसके साथ, इसको ऊपर की तरफ तो हाइड्रोजन नहीं है, राइट? अब ये फिनोमेना होता है, इसको तुम पूरे मतलब एक डेढ़ घंटे के आसपास पढ़ेंगे, ये फिनोमेना जो है इसको टॉटोबेरिज्म बोलते हैं, नाम सुना होगा, राइट? AP3 वालों को तो कंप्लीट भी हो गया तो उनको पता ही होगा, राइट? तो बात भी मैंने बताया कि इसके मैंने उसको बोला कि भाई इसको बोलते हैं टॉटम, तो कंडीशंस वगैरह वो सब पढ़े क्या होता है कैसे होता है टॉटम, मैं तुमको बताता हूं, ठीक है ना? तो व्हाट टॉटम है, जो अपन को कीटोन मिल गया तो प्रोपोनोन मिल गया अपन को, तो इसमें हमेशा एल्डिहाइड और कीटोन्स ही प्रोडक्ट होते हैं, टॉटम है जरूर, जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना देंगे, और जिस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था वहां ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बना के उसको हाइड्रोजन, राइट? मतलब ऐसे गिवन है, मान लो मैंने आपसे दे दिया मेरे पास ऐसे pH ट्रिपल बॉन्ड CCH3 ऐसे, तो
तो अपन कहेंगे देखो कार्बोकैटायन यहां ज्यादा स्टेबल होगा यहां नहीं होगा, यहां कार्बोकैटायन बनाऊंगा तो रेजोनेंस स्टेबल होगा, फिनाइल ग्रुप इधर से हाइपर कंजुगेशन तो रेजोनेंस वाला था। तो हाइपर मतलब अब मार्गनिक ऑक्सिडेशन के हिसाब से कार्बोकैटायन जहां ज्यादा स्टेबल बनता है वहां पर एनायन है, तो फिर अपन वाटर के एडिशन में एनायन अपन को पता है HGSO4 H2SO4 लिखा होगा, विल राइट दैट pH C इधर OH है, डबल बॉन्ड C इधर H ऐड किया मैंने, और इधर C है, इस हाइड्रोजन उसको देता हूं कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड, और नाम होता है टॉटमेंस। तो ये जियोसिन में है टॉटमेंस, तो अपन टॉटमेंस से बताते हैं दिस इज टॉटमेंस H2C ठीक है, दिस इज टॉटमेंस, दिस इज टॉटमेंस। तो अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी होंगे, क्योंकि अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो पॉलीमराइजेशन भी शुरू, क्योंकि ऑर्बिटल अगर एक ही डेट में आएंगे तो मिक्सिंग जरूर है, तो फिर पॉलीमराइजेशन भी कर लेते हैं। पॉलीमराइजेशन में एक तो लीनियर पॉलीमराइजेशन भी होता है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूल्स कैन शो ऑर्बिटल मिक्स, मॉलिक्यूल कैन शो ऑर्बिटल मिक्स ठीक है। तो अपन क्या करेंगे पॉलीमराइजेशन के लिए, अगर अपने पास ऐसे भी एन मॉलिक्यूल्स ले लो पॉलीमराइज कर लो, कैसे एन है ट्रिपल बॉन्ड सी है, तो अपन क्या करेंगे ऐसे ट्रिपल बॉन्ड सी एच है, ट्रिपल बॉन्ड सी एच बहुत सारे एन मॉलिक्यूल मिलेंगे, इसका ऑर्बिटल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे चेंज हो, तो डबल बॉन्ड बचेगा, इधर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा तो कार्बन के बीच में, तो बन ऐसे, तो CH हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, CH हो गया, और इधर सिंगल बॉन्ड एंट्रोस, तो इधर ये वाला डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड ही तो बचेगा कार्बन कार्बन के बीच में, ये वहां शिफ्ट हो जाएगा तो डबल बॉन्ड ही तो बचेगा कार्बन का, अब CH बॉन्ड में तो कोई चेंज आता नहीं, पाई बॉन्ड में ही ब्रेक चेंज आया बस, तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन जो होगा इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी, इसमें डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड बन सकता, क्योंकि किसी एक बॉन्ड को तो काउंट करना पड़ेगा जो शिफ्ट हुआ राइट ना। तो जब अपन बॉन्ड एनर्जी डाटा लिखते हैं बॉन्ड एनर्जी उससे डेल्टा एच, तो डेल्टा एच होता है बॉन्ड एनर्जी डाटा से समेशन ऑफ डेल्टा एच बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्ट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ द ऐसे लिखो। तो अगर डेल्टा एच को बना मैं इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, अब थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ा लेते हैं, मुझे पॉलीमराइजेशन का डेल्टा एच नहीं पता है, नहीं बता देता हूं। तो रिएक्टेंट के लिए भी क्या करेंगे बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी एच कितने थे सी एच दो, एन तो कैंसिल ही हो जाने पे जितने इधर बॉन्ड होंगे उतने तो एन तो कैंसिल ही होते राइट, और एक लिखूंगा मैं बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी ट्रिपल बॉन्ड सी ये सब एन टाइम्स, तो एन टाइम दोनों भी बनाने वाले हो माइनस, इसमें तो लिखेंगे सी एच कितने हो गए अपने पास दो, तो वो तो कैंसिल ही होगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी वो तो कैंसिल होगा, इस सी में तो कोई चेंज आया नहीं, प्लस बॉन्ड एनर्जी डबल बॉन्ड ले लेते हैं ना, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ले लेते हैं राइट, और एक अपन को नहीं दो सिंगल बॉन्ड नहीं लेंगे हम, तो वो वाला डबल सिंगल बॉन्ड अज्यूम करेंगे बस जो ऐसे दो
इसको कहीं से मिलेगा तो इसका बॉन्ड भी तो जाए, एक ही सिंगल बॉन्ड लिखू तो मैं लिखूंगा प्लस बॉन्ड एनर्जी सिंगल कार्बन कार्बन बस यही डिफरेंस। तो हाइड्रोजन वाला तो कैंसिल ही हो जाए, बाकी हो गए तो कार्बन कार्बन अपन को डबल बॉन्ड गिवन होगा। अगर डेल्टा एच गिवन है तो कोई बॉन्ड एनर्जी पूछ लेंगे, या तो ट्रिपल बॉन्ड किया, डबल बॉन्ड किया, सिंगल बॉन्ड, राइट? उसी वाला सेक्शन जब तुम पूछो, कोई ठीक है तो मैं तुम्हारा अब फिर चलो एडिशन ऑफ वाटर पे लिखा हुआ है, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कनी कॉक्स को लिखा हुआ है, एमकेआर रूल पढ़ा था ना तुमने एमकेआर। अब एक तो ये होता है ना, दूसरा अपन ऐसे भी लिख सकते डाइमराइजेशन, इसका डाइमराइजेशन होता है लेकिन इसमें फिर ऐसे करना पॉलीमराइजेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉलीएसिटी ये सब भी बड़ा अच्छा नाम देने के बाद पॉलीएसिटी तो ऑब्वियसली बात है, अगर कपल्ड हो गए दो मॉलिक्यूल तो एक में तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आएगा ही आएगा और एक सिंगल बॉन्ड। ये रिएक्शन अपन को पूछेंगे एग्जाम, ये नहीं पूछना, बस ये पूछेंगे इसका पॉलीमराइजेशन होगा तो हम सेकंड बने तो सेकंड को पॉलीमराइज कर सकते। अगर डाइमराइजेशन होगा तो तीन मॉलिक्यूल का प्राइमर प्राइमराइजेशन, तो एक बॉन्ड यहां शिफ्ट कर लेते हैं, एक बॉन्ड यहां शिफ्ट कर लेते हैं, एक बॉन्ड यहां शिफ्ट कर लेते हैं और एक रेड डॉट आईडेंटिटी क्या बन गया, बेंजीन, ये बेंजीन के बनाने का। तो बेंजीन बन गया अपने पास डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड आ गया, फिर डबल बॉन्ड था, या सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर, डबल बॉन्ड, तो सभी के पास एक है लो भाई हो बेंजीन मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। तो वैसे अपन एसिटिक नहीं बना सकते, मतलब अपन ये बताया था ना आपने एसिटिक कैल्शियम कार्बाइड से बना सकते, एसिटिक कैसे भी बना सकते। अगर हमारे पास कोई भी जैसे क्लोरोफॉर्म है, हाइड्रोफॉर्म है, ब्रोमोफॉर्म है, इनको अगर तुम लीव करें ना सिल्वर के से, तो सिल्वर AgCl का केएसपी वैल्यू बहुत कम होता है, तो सिल्वर को हाइड्रोजन जहां मिलेगा खजा, चाहे कुछ भी हो उसे मतलब नहीं कर दूसरे का क्या, राइट? क्योंकि उसका केएसपी वैल्यू बहुत छोटा, तो अपन को ये प्रोडक्ट ऐसे बनाना, सिक्स मतलब क्लोरोफॉर्म से मैं एसिटिलीन बना सकता हूं और उससे बेंजीन बना सकता हूं, दैट्स माय पॉइंट। अब ये रिएक्शन जनरली कहीं गिवन नहीं है, एग्जाम में पूछे तो मैं काफी देर तक उत्तर बताऊं ना बताऊं, कुछ कुछ पढ़ कर लेते हैं, बाद में अगर मैंने नहीं बताया तो फिर कभी कभी बच्चे बोल देते हैं कि सर ये बताओ आपने दो साल में कब पढ़ाया ये रिएक्शन, ऐसे ही बोलते, तुम भी बोलोगे तो एजीसीएल तो ये तो एजीसीएल का केएसपी वैल्यू बहुत कम है ना, सीएल तो सारा ही है पर कार्बन के बॉन्ड बनाते रहो एडजस्ट करते रहो वैलेंस, ठीक है ना? तो
अब ये कोई बोल किसी की बोल देयर इज अ क्वेश्चन इन एनसीईआरटी हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉइक एसिड अब ग्रुप जो अपन एनसीईआरटी करता है ना कोई प्रॉब्लम नहीं है पीजीसीएल का केएसपी वाली बहुत छोटा होता है बस अब चिंता मत करो ये खत्म होता है तो तुम वही करना है ये आपका एल्काइन्स ये था इतना ही अब ये बताओ हाइड्रोकार्बन में अपन को एरोमेटिक कंपाउंड्स भी देते तो वो थोड़ा सा एरोमेटिक कंपाउंड भी देते ना एरोमेटिक कंपाउंड भी देते पहले अपन ने पढ़ा है राइट तो अब अपन हाइड्रोकार्बन में एरोमेटिक कंपाउंड की एकदम सिंगल सा एरोमेटिक तो मैं एरोमेटिक कंपाउंड ले मैंने बाकी को तो एरोमेटिक तो नहीं पढ़ाया हुआ अभी अपन एरोमेटिक तो भी नहीं पढ़ रहे कल भी क्लास है एसी वन का तो एसी वन वाले बच्चों का 745 तो नहीं पढ़ इवनिंग में तो मैं आपको उस टाइम आपको एरोमेटिक भी पढ़ाऊंगा और कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट तुम तो लोग चाहो तो तुम लोग भी पढ़ सकते तुम्हारा क्लास है तो जिसको ज्वाइन करना है वो कर लेगा क्योंकि वो मतलब जिसका हो चुका है वो ऑप्शनल है आज भी कुछ बच्चे नहीं आएंगे तो लास्ट को डाउट डिस्कस करने वाले हैं हमें वैसे मतलब डाउट्स रहते नहीं है सब कुछ आता है तो फिर क्यों जाना क्या ऑप्शन है ना ये तो होते अब देखो अपन क्या करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड थोड़ा सा कुछ स्कूल के हिसाब से पढ़ते हैं एरोमेटिक में कब डिटेल में पढ़ते एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं तो जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं ना वो दो टाइप्स हैं एक बेंजोइन और एक नॉन बेंजोइन मतलब एरोमेटिक है लेकिन पत्ती नहीं है ठीक है अब बेंजोनाइट का अपन कहते हैं बेंजीन जैसे तो ठीक है जैसे ये एरोमेटिक बेंजीन बहुत एरोमेटिक ये बेंजीन ये नेफ्थलीन इनको बर्न करूंगा ना तो बहुत ब्लैक स्मोक ऐसे आएगा रीजन कार्बन ज्यादा हाइड्रोजन कम तो कभी बहुत ज्यादा स्मोकी फ्लेम तो स्मोकी फ्लेम मतलब स्मोकिंग इसका नाम है नेक्स्ट वर्ड डिटेल में ना कैट का नाम ठीक है तो अपन कहेंगे तो नफ्ती और ठीक है चलो ठीक है तो नफ्ती ऐसे ही अपन लिखेंगे एंथ्रासिन एंथ्रासिन तो अपन कहेंगे ठीक है आप जितना मर्जी चाहे देखो अगर किसी कंपाउंड में मुझे बेंजीन जैसा सिस्टम दिखेगा जैसे अपन ने फुलरीन में भी देखा अगर मुझे कहीं भी बेंजीन जैसा सिस्टम दिखेगा मैं कहूंगा वो एरोमेटिक है एरोमेटिसिटी के लिए मतलब जैसे अपन कल पढ़ेंगे तो अपन देखेंगे भाई एरोमेटिसिटी के लिए ना अपन एक रूल फॉलो करना होता है हर्कल्स को छोड़ो अपन थोड़ा कंपाउंड देख लेते हैं बस सब देखो काम कल मैं एरोमेटिसिटी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे करते हैं ये है एंथ्रासिन और ऐसे भी बनता है जिसको बोलते हैं फिनेंथ्रास दिस इज कॉल्ड फिनेंथ्रास इसको मतलब दो बच्चे जैसे बनता है इसमें एक ही बनता है फिनेंथ्रास
इसके अलावा अपने सिलेबस में है। नॉन बेंजोन एल्डिहाइड है जैसे पिरिडीन होता है, दैट इज अ नॉन बेंजोन। पिरिडीन इज नॉन बेंजोन। We'll have pyro. अब कोई पूछ रहा है सर हमारा GOC2 कब होगा? तुम्हारे स्कूल से तुम्हें पूछ सकते हैं GOC2 कब करते हैं बताओ। मैं तो कहता हूँ आज भाई आज रात को GOC2 कर। अब बोलो। पूछ रहा है कि उधर GOC2 कब होगा हमारा? चलो। तुम लोग टाइम तो दो। मेरे पास तो बहुत टाइम है। तुम्हारे पास टाइम है ना? उसको कहते हैं पायरो। ठीक है? ये भी एरोमेटिक होता है, इसको कहते हैं फ्यूरेन। मुझे काफी असर मतलब अभी के लिए काफी बहुत असर। ये थायोपिन थायोस्टे की भी सल्फर है थायोपिन। ये नॉन बेंजीन, इनमें बेंजीन नहीं है लेकिन ये एरोमेटिक। इसके अलावा बहुत सारे हैं तो मतलब ऐसे वगैरह पढ़े नहीं बनता है अभी इतना अपन को चाहिए। अब इसमें केमिकल रिएक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन देख लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, अभी मैंने एक मेथड तो आपको बताया प्राइमराइजेशन ऑफ एसिटोन। मतलब तीन मोल एसिटोन ले लो और आयरन ट्यूब में उसे है ना हीट करो तो वो ट्राइमराइज हो गया बेंजीन। अभी मैंने भी लिखा एक तो ये मेथड हो गया जो तुमसे पूछेंगे। दूसरा मेथड अपन लिखेंगे अपने क्लास में डीकार्बोक्सिलेशन लिखा गया। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वो डीकार्बोक्सिलेट कैसे करते हैं? सोडा लाइम रिमूवल ऑफ CO2 ना डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। तो अपने पास ये बेंजोइक एसिड है और इसको सोडा लाइम मतलब सोडा मतलब एन एच और लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये अपन ने कहा था कि CO2 हटा देना और हाइड्रोजन ले आना चाहे वो कैसे भी, अगर ऐसे भी गिवन है तो भी बनता है। सोडा लाइम से रिएक्ट करो, ये हटा दूंगा रिमूवल ऑफ CO2 और CH4 बना। यस यस। तो इसका मतलब है इससे भी बेंजीन बन जाएगा बन जाएगा एसिड से। तो वो अपन फिनॉल से भी बना सकते हैं। मतलब ये इजीएस्ट मेथड होता है फिनॉल। फिनॉल को जिंक के साथ भी तो भी ये बेंजीन प्लस जिंक राइट। अपन ऐसे बता सकते स्कूल के लिए थोड़ा थोड़ा मतलब चैप्टर के बैलेंस करो नहीं तो मार्क्स नहीं। तो ये बेंजीन बने। तो ये बेंजीन बनाने के मेथड, बेंजीन के आयोपैक नेमिंग तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं और ना ही बेंजीन का रेजोनेंस टेम्पलेट, ठीक है, और ना ही बेंजीन का रेजोनेंस टेम्पलेट। ठीक है, बेंजीन के जो भी कंपाउंड्स वगैरह उनमें कार्बन बहुत कम होता है तो मतलब दे आर उनकी डेंसिटी वाटर से कम होगी तो विल फ्लो। तो ये भी हाइड्रोकार्बन होगा तो कभी कभी अपन से क्वेश्चन आते हैं कुछ व्हिच इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है ना एक क्वेश्चन ऐसे आंसर बना दिया था ना। तो ये प्रिपरेशन मेथड्स जो अपन को जरूर
वैसे अपन कभी पढ़ते भी नहीं प्रिपरेशन वो केमिकल प्रॉपर्टीज में अपने आप आते हैं। ये बेटर अपन कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है ना, अभी एरोमेटिसिटी जो है वो जीओसी2 का पार्ट, लेकिन मैं आपको पढ़ाता हूँ एरोमेटिसिटी आपका जीओसी2 का पार्ट है, तो पढ़ा चुका हूँ ऐसे नहीं बेसिक पढ़ने हैं तुमको। तो मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीक आपका स्कूल स्कूल है ना एग्जाम वगैरह तुम लोग बैठा रहे फर्स्ट वीक से, तो वो छुट्टी रखनी है ना तुमको, रख लो तो मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, तो ऐसा बताओ अपने लिए बोल छुट्टी रख लो और जो बच्चा 11th में ज्यादा मेहनत कर लेते हैं तो 12th में बहुत ही सीरियसली पढ़ता है, एक्सेल बड़ा हो गया तो बच्चों को तो समझना भी अच्छे से शुरू कर दो, और दिवाली के आते आते तो बस ऐसे नहीं तो कि बस हमको हमारी आंखें खुल गई, तो रोएगा भी और पढ़ेगा है ना, चाहे वो कितना भी अच्छा बच्चा हो रोता जरूर है कि हमने अपना टाइम पूरा खराब, ठीक है ना, रोता 100% बहुत सारे बच्चे रोते, और अगर मार्क्स कम आए तो पेरेंट्स को दिखाने के लिए और हमें बुरा भला करने के लिए रोएंगे, उनने टाइम वेस्ट किया हमारा तो बहुत पढ़ रहे थे ऐसा भी होता, तो जो बच्चा 11th में पढ़ लेगा वो 12th में काफी एडवांस करेगा क्योंकि 12th का सिलेबस भी कम होगा, इसलिए 12th में आपको काफी एडवांस भी रहेगा, आपको मतलब इजी भी पढ़ेगा क्योंकि सारे कंसेप्ट आपको 11th में करने हैं। अब जैसे मान लो किसी बच्चे ने आयनिक मिस कर, तो 12th में आप चाहे कोई भी चैप्टर पढ़ो आपको आयनिक तो आ गई है, अब वो क्या करेगा, सर मेरा आयनिक हो गई मैंने पढ़ा ही नहीं, हाँ तो बोलते ना घर आते पढ़ाने हमारे पास तो टाइम ही टाइम है, टाइम तुम्हारे पास नहीं है, फिर उसके बाद वो कहेगा कि भाई हमारा थर्मो भी नहीं हो क्योंकि थर्मो के बगैर 12th होती नहीं, इसलिए फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों फिर एक साथ चले उसको बहुत अच्छा था, दोनों पार्ट को तुम कंपेयर करते हो दोनों पार्ट को ले, केमिस्ट्री में कुछ भी सॉल्व करना है वर्क डन में ये फॉर्मूला कभी नहीं चेंज कर, चाहे कुछ भी, और ये नेगेटिव साइन क्यों लगाया फिजिक्स में नहीं लगाया, फिजिक्स में आप सिस्टम से पढ़ते हो केमिस्ट्री में सराउंडिंग से, बाकी दोनों के कंसेप्ट एक ही है, केमिस्ट्री में कुछ भी पूछेगा मैं तो इससे बताऊंगा आपकी मर्जी जो चला राइट ना, तो दोनों में तो काफी फायदा हो गया, मैं भी ऑब्जर्व कर रहा था कि स्टूडेंट को काफी फायदा हो गया, ठीक है, और फिर ऑफलाइन का टाइम भी होता है इससे बहुत फायदा, ठीक है ना, अब चर्चगेट में भी ऑफलाइन के शायद में संडे भी जाऊँ तो बच्चे भी बेचारे सोचते हैं कि हमारे यहाँ पढ़ते नहीं वहाँ कैसे हो, सोच रहा है ऐसा घूमा मुझे दिख रहे लेकिन आप इसमें एडिशन नहीं करना, जैसे एल्कीन में करते हो तो HCl है ऐड कर देता हूँ कार्बो का टाइम बनेगा और फिर बाद में सी एल एड, इसमें अगर ऐसा किया ना हमने कार्बो का टाइम बना के और ऐड कर दिया तो इसका एरोमेटिक भी लॉस्ट हो जाए, मतलब दिस विल बी हाईली अनस्टेबल देन दिस, तो बेंजीन में कभी एडिशन रिएक्शन नहीं होगी, तो क्या कर सकते हैं, तो फिर मैंने एक काम करो इसका हाइड्रोजन हटा के तो दूसरा लगा, अच्छा मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर, तो किसी एक को रिप्लेस कर देते, तो सब्स्टिट्यूशन तो अपन कहेंगे कर लो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
एरोमेटिक भी तो मतलब नहीं ब्रेक होगा ना, तो बेंजीन में एरोमेटिक स्टेबिलिटी की वजह से एडिशन रिएक्शन नहीं होगी, एडिशन करूंगा तो एरोमेटिसिटी ब्रेक होगा, तो उसमें क्या होगा सिर्फ सब्स्टिट्यूशन। सो ड्यू टू द एरोमेटिक स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन of pi bond in benzene, double bond in benzene, they do not show addition, but can show substitution. The substitution reactions are called as a reaction is called as electrophilic. Obviously, but the benzene with electron reaction. So, we need to get electrophilic, aromatic substitution. Substitution reaction. It's open AS reaction. इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैपिटल में ईएस लिखते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। सो एडिशन रिएक्शन तो नहीं, बट एल्कीन्स में एडिशन रिएक्शन होगा क्योंकि उसमें कोई एरोमेटिक तो निकल ऐसे भी नहीं, तो उसमें एडिशन रिएक्शन होगा। अब अगर इसमें कुछ मैकेनिज्म टाइप कुछ बोले तो वैसे डट की जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक ही निकल सकता है, बेंजीन में डबल ऐसे अपने पास ये होता है और इलेक्ट्रोफाइल, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है जिससे कि एकदम इलेक्ट्रोफाइल से नहीं आता, ये इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन और इसको अपन अटैकिंग एजेंट बोलते हैं जो अपन इलेक्ट्रोबैरिक इफेक्ट पड़े और ये इलेक्ट्रॉन रिच, ये इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन। अब ये इसमें अटैक तो अब इसका नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और बेंजीन में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है अबव और बिलो होता है, पता ऐसे पढ़ा था ना अपने, याद होगा आपको केमिकल बॉन्डिंग में और ऐसे ऑर्बिटल बनाया था बनाया था ना, ऐसे मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, इधर भी इनका मिक्सिंग होगा बिकॉज देयर इज द सेम प्लेन, इधर भी इनका मिक्सिंग होगा बिकॉज देयर इज द सेम, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द प्लेन होता है, तो बेंजीन का जो प्लेन होता है ना सिग्मा बॉन्ड का प्लेन, मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल में जो सिग्मा बॉन्ड का प्लेन होता है वो होता है नोडल प्लेन, पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं राइट ना, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रांग बॉन्ड तो ब्रेक नहीं होता, पर एल्केन में सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पड़े, एडिशन होते हैं कि पाई बॉन्ड पाई, एल्कीन और एल्केन में एडिशन पड़े तो देयर इज अ पाई बॉन्ड, ये किसी एक बॉन्ड को पहले ब्रेक करो, तो इलेक्ट्रोफाइल को अपन यहां अटैक करवा देते हैं भाई, अब इस बॉन्ड को ब्रेक करवा देते हैं, तो इसके पास तो अपना कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इससे इलेक्ट्रॉन लेके उसको देते, तो इसका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और उसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तो विल गेट ब्रेक, तो आपने इलेक्ट्रोफाइल का ऐसे बॉन्ड बना लिया और यहाँ पॉजिटिव चार्ज बना लिया, बाकी सभी के पास एक हाइड्रोजन है, तो फिर देखिए आप तो कह रहे थे एरोमेटिसिटी ब्रेक नहीं होगा, अभी तो आपने ब्रेक कर दिया, हाँ तो बाद में रिगेन करवाते हैं, तो एरोमेटिसिटी अगर इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करेगा तो विल गेट, अब यहां पर जो प्रोटॉन होगा ये वाला प्रोटॉन और ये रेजोनेंस कर देगा, जैसे इधर से इधर शिफ्ट करो विल गेट रेजोनेंस, पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पर तो हाइड्रोजन पर, बाकी सबके पास भी एक हाइड्रोजन है, इधर भी अपन एरोमेटिक इसको भी डीरेगुलेट कर सकते हैं, मैंने हाइड्रोजन इससे भी एक तो कुछ दिखे हैं तो भी कैचर, तो अगर वैसे भी बनेगा तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा एक बार जनरेट करोगे तो अल्टरनेट एटम पे डीरेगुलेट होता है,
तो अपन देखेंगे कि ये बात। अब सिंस ये आइंस कार्बोकैटायन है तो अपन बोल सकते हैं ना दे आर कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन भी एरोमेटिक रिंग से बना हुआ है इसलिए मैं इनको बोल सकता हूं एरिनियम्स, एरिनियम इसलिए बिकॉज एरोमेटिक कार्बोक्सिबल एरोमेटिक कंपाउंड का राइट। लेकिन अपन कहेंगे अभी भी इनमें किसी में एरोमेटिसिटी नहीं है तो ये अपना एरोमेटिसिटी रीगेन करेगा। तो अपन यहां क्या करेंगे, आपने इसको एरोमेटिसिटी को ब्रेक किया तो चलो हीट कर दो, हमने हीट करने के लिए 50 किलो जूल एनर्जी दे दी, एरोमेटिसिटी ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी दी उसकी 36 किलो जूल, बेंजीन का रेजोनेंस एनर्जी 36 किलो कैलोरीज पर उतना ही। तो अपन कहेंगे ठीक है अपन ने 50 किलो जूल दे दिए, बाद में जब ये अपना एरोमेटिसिटी रीगेन करेगा तो हाइड्रोजन इज आई का कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन में होगा तो अपन क्या करेंगे इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट, इसका कोई एलाइनिक पार्ट भी होगा, हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन में अपने आप में लीक नहीं करता था, वो ऐसे भी कार्बन एटम नहीं होता, मैंने आपको क्लास में बताया, लेकिन कोई एलाइन उसे इजीली ले जा सकता है क्योंकि ये पार्शियल बॉन्ड है डैश डैश डैश। तो ये स्पॉट आएगा तो अपन क्या करेंगे विल गेट द प्रोडक्ट इन दिस स्पॉट, अपन ऐसे बना, तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है आपने ये बना हाइड्रोजन चला लिया इलेक्ट्रोफाइल आ गया और ये मैं अगर इलेक्ट्रोफाइल को हटा लूं तो क्या प्रॉब्लम है, हाइड्रोजन को रहने देता हूं, तो अपन कहेंगे हाइड्रोजन जो प्रोटॉन होता है उसकी पॉजिटिव चार्ज होल्ड करने की टेंडेंसी सबसे, उसका तो नाम ही प्रोटॉन है तो उसकी पॉजिटिव चार्ज होल्ड करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी, इसलिए अपन ने उसको और CH बॉन्ड किसी भी दूसरे बॉन्ड से कभी कभी अगर ब्रेक करने के लिए मुझे पास चॉइस आया कि बताओ किस बॉन्ड को ब्रेक कर दूंगा, पहले से अगर पॉजिटिव चार्ज में है तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि CH का बॉन्ड एनर्जी वीक कर दूं CCl का, मैं कहूंगा अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इन दोनों बॉन्ड में से यही वीक होगा क्योंकि हाइपर कंजुगेशन तो ये शो कर सकता है, ये थोड़ी शो कर सकता है, मतलब ये वाला पार्शियल बॉन्ड तो वो ब्रेक तो हो ही जाएगा राइट। तो अपन कहेंगे अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो इसका एरोमेटिसिटी रीगेन, मतलब ये बहुत फास्ट है और CH बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया, मतलब अगर मैं इन दोनों में स्टेबिलिटी कंपेयर करूंगा तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसकी, रीजन क्या होगा क्योंकि यहाँ ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बना तो ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसकी एनर्जी कम होगी, यू गॉट माय पॉइंट, भाई अगर इसका ये CE बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है CH से तो उसके फॉर्मेशन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जितना ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होगा उतना एनर्जी ज्यादा रिलीज भी होगा, किसी को डाउट है तो बोलो। तो That is how the electrophilic aromatic substitution reaction takes. So, ये best leaving group होता है, leaving group होता है, तो ना good leaving group लेते हैं, best में ऐसा हो कि आपको भी इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, बाद में बताऊंगा ना मैं तो इससे भी अच्छा कुछ हो सकता, right? ये जो करनी मैंने थे ना, इनको find out किया था, वेलेंड, ये नाम है। इस कार्बन से लेके इस कार्बन तक डिक्लेरेशन हुआ H+ के नीचे लिखा है गुड लिविंग ग्रुप।
एप्लीकेशन से पहले हैलोजनेशन, हैलोजनेशन में मतलब डायरेक्ट हैलोजनेशन तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि हैलोजन के बाद भी लोन पेयर होता है और बेंजीन भी इलेक्ट्रॉन देता है, सो डायरेक्ट हैलोजनेशन इज नॉट पॉसिबल। Direct elimination is not possible, right? Direct elimination is not possible, but because both benzene and halogens are electron rich, halogens are electron rich, so they repel each other. They repel each other. Thus, it is carried out. It is carried out in presence of Lewis. Out in presence of Lewis. अगर अपन reactivity of halogens की बात करें, तो reactivity of halogens को अब कहीं भी कुछ भी पढ़ो, हैलोजन का रिएक्टिविटी तो हमेशा अच्छी है। तो रिएक्टिविटी फ्लोरिनेशन कभी हो नहीं सकता बेंजीन का F2 से, क्योंकि F पे पॉजिटिव चार्ज कहां से होगा, तो बन ही नहीं सकता। F पे पॉजिटिव चार्ज कभी नहीं बनता, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक हो नहीं सकता, राइट? सो वी कांट जनरेट generate F power, मतलब fluorination नहीं है। और इन दोनों को in presence of Lewis acid, iodination we can write that for in presence of oxidation. मतलब आयडिनेशन की अभी बात ही नहीं करते स्कूल में, मतलब है ही नहीं आयडिनेशन बोलता, अपन तो क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन की बात। तो ठीक है, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन कैसे करना है ये बता सकते हो, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं, अपने पास बेंजीन है, इसको रिएक्ट करते हैं Cl2 से इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, जो अपन को पता है सेंट्रल एटम इलेक्ट्रो डेफिशिएंट है तो लुईस एसिड, सेंट्रल एटम अगर इलेक्ट्रो डेफिशिएंट है तो लुईस एसिड, तो ये तो कैटलिस्ट है। तो यहां पर अपन एक क्लोरीन लिखेंगे इसमें और हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा तो HCl, दैट इज अ बैलेंस। अगर ऐसे भी लिख सकते, ऐसे भी बता सकते, बेंजीन है, बेंजीन तो आप Cl2 से रिएक्ट करो और Fe लिखो, तो भी अपन क्लोरोबेंजीन और HCl, अच्छा क्या है? तो Fe पहले क्या करेगा ना, Fe प्लस Cl2 होगा तो FeCl3 और FeCl3 फिर Cl2 के साथ रिएक्ट करते इलेक्ट्रोफाइल। मैंने ये वाला मैकेनिज्म वाले पार्ट में जाना नहीं चाहता, क्योंकि अपन मैकेनिज्म ज्यादा स्कूल में नहीं पूछते, तो पूछे के बताओ ये कैसे करना है, पर तो स्कूल में कन्वर्जन पूछने वाले रिएक्शन ए बी सी डी आयोपिक नेम लाइक दैट, उस टाइप के ज्यादा रिएक्शन नहीं पूछे। तो भी मतलब मैं उसको ज्यादा उसमें नहीं जान जाता, क्योंकि यहाँ मैंने लुईस एसिड देखा था ना, अब आप एफ ही थोड़ी लुईस एसिड होगा, तो ये एफिशिएंट तो लोग ऐसा करते हैं। डी ब्लॉक मेटल के सॉल्ट्स लुईस एसिड होंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल, तो लुईस एसिड इसके तो क्योंकि उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल, उनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल, राइट? दूसरा अपन लिख सकते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में आप क्या करोगे,
आप बेंजीन को रिएक्ट कर लो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और आप इसमें कॉन्सेंट्रेटेड एच2ओ बोले तो विल गेट द नाइट्रोजन, विल गेट नाइट्रो बेंजीन प्लस अपने को नाइट्रो बेंजीन, ये क्लोरो बेंजीन और है इसमें HNO3 और H2SO4 का पहले रिएक्शन है, ये कैटलिस्ट मतलब दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड है और आपस में रिएक्ट करेंगे, लेकिन रिलेटिवली एक तो स्ट्रॉन्ग है ना दोनों में से, कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? तो फिर ये एसिड है और वो बेस, ये एसिड बेस, अगर ये बेस है तो ये प्रोटॉन देगा ना, ऐसे भी क्यों इसको भी ऐसे लेकिन तो फर्क नहीं, अगर आप एसिड बेस रिएक्शन लिख रहे हो तो सॉल्ट और वाटर तो ये तो बना सॉल्ट, क्योंकि अपन इन दोनों से क्या बनाएंगे दिस इज नाइट्रोनियम आयन जिसको अपन इलेक्ट्रोफाइल करते हैं, जैसे अपन ने पी पॉजिटिव अटैक करवाया वैसे इसको अटैक करवाएंगे और जो हाइड्रोजन निकलेगा ना वो इसको दे देगा, तो ये तो कैटलिस्ट है ना, वो थोड़ी प्रोडक्ट बनाएगा लास्ट में रिकवर हो रीजनरेट होता ना कैटलिस्ट तो मिली, तो इसमें अपन से ये पूछ सकते हैं विच आयन एक्ट एज अ कैटलिस्ट, वैसे तो वही दिख रहा था राइट, और फिर अपन से ये भी पूछ सकते हैं कि भाई बताओ H2SO4 ऐड करेंगे HNO3 में तो H2SO4 कैसे ऐड करेगा, उन दोनों के रिएक्शन क्या एसिड बेस रिएक्शन बोल सकते हैं? बिल्कुल, इट इज एसिड बेस, कितना इंफॉर्मेशन पूछी सल्फोनेशन के लिए विल रीड दैट बेंजीन ले लो उसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से लिख, इसको मैं एक्सेस लिख दे क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ही उसमें कैटलिस्ट जैसे भी है, तो आई गॉट बेंजीन सल्फोनिक एसिड, दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो एक्सेस मतलब मैं दो मोल्स लूंगा, तो एक मोल तो ये बनाएगा दूसरा मोल बचा, तो इसमें ये रिएक्शन जो होता है वो इक्विलिब्रियम में H2SO4 राइट, अब इसमें क्या होगा H2SO4 will react with H2SO4 तो अजीब बात होगी, ऑर्बिक केमिस्ट्री बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो अपन को पता चलेगा बाद, क्योंकि ऑर्बिक मतलब अपन टेंथ के बाद ही पढ़ते जो रियल ऑर्बिक केमिस्ट्री, तो इसलिए ऑर्बिक केमिस्ट्री में जो बताया उसी से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ज्यादा दिमाग नहीं है, मैकेनिज्म मतलब मैं बताऊं क्लास लिमिट पे रखेंगे अपन की, बहुत ज्यादा ना मैकेनिज्म बताओ, जितना एग्जाम में है उतना ही, ठीक है ना, तो जैसे बताया बस वैसे ही सॉल्व करते हैं, मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होना, सेंटेंस में सारी गुण इसलिए ध्यान से सुनो, देखो ना लेकिन बोलो ना सब जो भी एग्जाम, ठीक है, इसलिए अपन को ध्यान से सुनो, इसमें मैं एक प्रोटॉन देने वाला और इससे प्रोटॉन बनता है, तो इसको मैं एसिड लिखने वाला हूं, इसको मैं बेस, मैं इसमें प्रोटॉन दूंगा तो मुझे मिलेगा SO3, मुझे मिलेगा H3 पॉजिटिव और मुझे मिलेगा H3 रिएक्शन ही, मतलब ये तो ये हो गया कि भाई मैंने H2SO4 अगर बॉटल में रखा तो
कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो उस बॉटल में एक कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दूसरे H2SO4 से रिएक्ट करे। हाँ ऐसा होता है। और जितने बार आप बॉटल को खोलोगे उतने बार SO3 इसके ऊपर और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 कम होता है। इसलिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वाले बॉटल को आफ्टर 6 मंथ आपको चेंज करना ही होगा अगर स्कूल लेवल में यूज करना हो अदर थिंग्स। इसमें अपन कई बार तो भी प्रैक्टिकल करते हैं वाकई ये हमारा सब कुछ मेथड फॉलो कर रहे हैं आप होता है ना। यस तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में पढ़ लीजिए मैंने कहा कल लेकिन नहीं करते हैं बाकी एक्स्ट्रा जो भी करेंगे अपन उसमें पहले होमवर्क करेंगे ऐसे होमवर्क डिस्कशन करेंगे उसके बाद क्वालिटेटिव। अब जब भी होगा तो एक बार सोचेंगे क्या उसको बनते हैं चलो भाई ठीक है फिर तो इसमें ना SO3 अब ये तो न्यूट्रल है इसको तो कटाइन भी नहीं है एक्ट एज़ तो ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे हम तो तुमने पढ़ा हुआ ना इलेक्ट्रोफाइल्स पढ़े थे कि अगर किसी सेंट्रल एटम के पास बहुत ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है तो दैट विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। अगर सेंट्रल एटम पे बहुत सारे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है तो दैट विल एक्ट एज अ इसके पास 3 डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है तो इसमें एक्चुअली बेंजीन जो ना वैसे ही होता है SO3 के साथ। एक पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा फिर इस बॉन्ड को अपन ऐसे जुड़ कर देंगे और पाई बॉन्ड ब्रेक हो तो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज आएगा और इधर पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज आएगा तो इससे वो प्रोटॉन तो भी बन जाएगा फिर बाद में हाइड्रोजन कंजुगेशन का हाइड्रोजन आता है हाइड्रोजन आएगा तो H2SO4 वापस में किसी को डाउट है। अभी अपन ज्यादा मैकेनिज्म में नहीं आएंगे तो ये पता है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन एक्ट करेगा और उसमें H2SO4 क्या सेल्फ एसिड बेस रिएक्शन देगा। यस यस सर एप्लीकेशन में राइट ना। अब फोर्थ एप्लीकेशन जो है That is a name reaction. उसको तो देखते हैं Friedel-Crafts reaction. तो अब Friedel-Crafts reactions पढ़ना पड़ेगा। पहले aromatic compound पढ़ाए थे ना पहले मैंने। तो अब तो लिखिए Friedel-Crafts. Fourth one application. Friedel-Crafts. Friedel-Crafts reaction दो types. The catalyst used is अपने जीओसी में डिस्कस कर लिया ना क्लास में ठीक है। Friedel-Crafts एल्काइलेशन रिएक्शन ऑन Friedel-Crafts एसाइलेशन ठीक है लास्ट ईयर तो Friedel-Crafts एल्काइलेशन रिएक्शन में क्या होता है अपन बेंजीन को रिएक्ट करेंगे एल्काइल हैलाइड के साथ वो हैलाइड एसिड लिख रहा हूं कि आप ब्रोमाइड भी ले सकते हैं क्लोराइड भी ले सकते हैं इसको अपन AlCl3 से नहीं करेंगे वो तो कैटलिस्ट है तो जब वो तो लुईस एसिड है तो ये क्या करेगा इसको अटैक करके इसको बॉन्ड इसको पुल करेगा तो ये ब्रेक होगा तो कार्बो के टाइप इलेक्ट्रोफाइल इज CH3 तो बेंजीन पर रिएक्ट करवाएंगे तो भी ना
इधर सीएच भी बनूंगा तो मिथाइल बेंजीन मतलब एल्काइल बेंजीन लिखूंगा प्लस मैं लिखूंगा HCl तो इससे जो प्रोटॉन निकलेगा वो HCl बना लेगा और CH3 के लिए एल्काइलेशन। अभी अपन कोई भी मतलब कंपाउंड ऐसे कर सकते हैं, मान लो मेरे पास ऐसे कितना होता तो बेंजीन है और इसको मैंने आइसोप्रोपाइल बेंजीन से क्लोराइड आइसोप्रोपाइल क्लोराइड से लिया था Al2, कोई बात नहीं तो फिर इसको अटैक करवा के ये बॉन्ड ब्रेक करोगे कार्बो कटाइन बनेगा तो बेंजीन पे सब्स्टिट्यूशन तो दिस विल फॉर्म आइसोप्रोपाइल बेंजीन प्लस एक्स इथाइल की जगह मिथाइल भी हो सकता है। दिस इज अवर इससे अगर आपको लिखेंगे तो बेंजीन को एसाइलेशन का मतलब होता है तो इसमें मैंने क्या किया कि अपन ने एल्काइल है तो Al3 से लिया था तो इट विल फॉर्म लाइक दिस एक इंटरमीडिएट बनाएगा तो इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव इसको हीट करेंगे अपन तो ये बॉन्ड ब्रेक होके कार्बन बनेगा और AlCl3 और H जैसे एक कंपाउंड तो ये तो बेंजीन से रिएक्ट कर गया इलेक्ट्रोफाइल एफ एज इलेक्ट्रोफाइल फिर ये जो AlCl3 और H से रहा ये जो प्रोटॉन इससे हटेगा रिप्लेस होगा वो प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करके बना रहता है AlCl3 एंड H+ तो वो हाइड्रोजन तो यहां से कोई क्वेश्चन आ नहीं सकता बस कार्बोकैटायन इज फॉर्म एज इंटरमीडिएट इतना ही अपन बोल सकते कार्बोकैटायन इज फॉर्म एज इंटरमीडिएट ये अपन को पता है कार्बोकैटायन आप इंटरमीडिएट जैसे बना कार्बोकैटायन इज फॉर्म एज इंटरमीडिएट उसमें कार्बोकैटायन इज फॉर्मड एज अ तो बेंजीन को AlCl3 को क्लोरीन एसिड होता है लोन पेयर से लीव करेगा नेगेटिव लोन पेयर पर अटैक करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा पर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है इसके बनने आता है नेगेटिव पर ठीक है एसाइलेशन में क्या होगा विल गेट दिस आर सी डबल बॉन्ड ऑफ सी एल राइट इसको जब अपन AlCl3 से रिएक्ट करेंगे ना ये इस पर अटैक करेगा कार्बोकैटायन ब्रेक होगा तो इसको पॉजिटिव चार्ज आएगा वो बेंजीन से रिएक्ट करेगा दिस इज कॉल्ड एसाइलेशन या कीटोन्स मतलब जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है उसी कार्बन को अपन तो बेंजीन में अटैच कर देना दैट्स दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ इसका भी मैकेनिज्म बिल्कुल वैसे ही है सी डबल बॉन्ड वो है इधर सी एल था लोन पेयर है अपन ने इसको AlCl3 से रिएक्ट करवाया तो जैसे इसमें Cl पे अटैक करवाया हैलोजन पे अटैक करवाया वैसे उसको भी तो विल गेट लाइक दिस आर सी डबल बॉन्ड को और इधर Cl AlCl3 इस पर नेगेटिव चार्ज इस पर पॉजिटिव चार्ज तो इसको हीट करके ब्रेक तो अभी जो कार्बोकैटायन इसमें बनता है वो तो बहुत ज्यादा स्टेबल है क्योंकि वो तो रेजोनेंस स्टेबल है कंजुगेशन है ना तो ये तो रेजोनेंस स्टेबल है लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो है अनस्टेबल तो है तो दिस विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल ये देखो ये बेंजीन पे अटैक करेगा फिर गेट द प्रोडक्ट जैसे उसमें वो बेंजीन पे अटैक तो ये कार्बोकैटायन इज अ इंटरमीडिएट फॉर्म द रिएक्शन उसमें ये जो कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ ना दिस इज कॉल्ड एसाइलेशन
इसको असाइनमेंट नहीं है, क्योंकि ये जो होता है ना SSCH में सी डबल बॉन्ड ग्रुप, ये अपन ने पढ़ा होता है, इसको ना असाइन ग्रुप कटेन होगा तो असाइन ग्रुप वो सही ग्रुप, ठीक है। और मतलब एक और बात होता है, देखो अगर मान लो अपन इसको ऐसे देखते हैं बेंजीन Cl2NH2 तो क्लोरोबेंजीन, ठीक है, और Cl2N सनलाइट, तो फिर बेंजीन हेक्सा दे रही है, इसमें एडिशन भी है, ये तो मैं क्लासिक पढ़ा हूँ, पता है ना? रिएक्शन मैंने सारी बता, ये लास्ट में मैंने बताया, नीचे वाले का नाम क्या बताया था? एक्सा क्लोरो बेंजीन, किसको पता गैलेक्सिन? वो कॉमन नेम भी लिखा ना, और वो गैलेक्सिन इज अ इंसेक्टिसाइड्स, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लेते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन डबल बॉन्ड कहाँ पर नहीं बनाया मैंने तो बना देता, अगर मैं इसको Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ Al2 ये एक्सेस है तो हेक्साक्लोरोबेंजीन, अब कितना बचा हुआ है ये हो गया, बहुत हो गया ना, तुम लोग थक गए हो गया, बैठे बैठे थक गए ना, मुझे जाना तो खड़े होकर पढ़ा रहा है ना, मैंने क्या किया खड़े होकर पढ़ाते रहे, उन लोगों को देखो बैठ के कितने पढ़ रहे हो, है ना। और ये क्या मिक्स है, ये अगर कहीं हाइड्रोजन नहीं है तो लगा क्यों ना अपने आप, हाँ कुछ बोल रहे थे तुम, अच्छा ठीक है, अब इनमें कैटलिस्ट का डिफरेंस देखो, ये रिएक्शन ये जस्ट लेकिन यहाँ एक्सेस लिखा हुआ ट्रांसेस भी, गैमेट से अपन से पूछेंगे स्मॉल फॉर्म में बीएचसी पूछेंगे और पूछ सकते हैं तुमसे बीएचसी बेंजीन एक्सेस क्लोराइड और एक्सेस क्लोरो बेंजीन में क्या डिफरेंस है, वो तो दुखी रहा और ऐसे लिखो एक पर डबल बॉन्ड होता है, अरे अच्छे से लिखो आधा पेज भर दे, हाँ और क्या रिएक्शन लिखो मतलब ऐसे, हाँ और क्या, ठीक है, मतलब जितना इंग्लिश आता है सब लिख दो, तो भाई आज तो बाय हो जाए।